प्रदेश में नशाखोरियों को पकड़ने के लिए पुलिस द्वारा चलाए गए एक विशेष अभियान के चलते रति पुलिस थाना की टीम ने 337 ग्राम हेरोइन पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। मामले की पुष्टि करते हुए एसपी मंडी शालिनी अग्निहोत्री ने बताया कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। एसपी मंडी शालिनी अग्निहोत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि रत्ती पुलिस थाना की टीम ने नेशनल हाईवे पर बिना नंबर प्लेट की एक गाड़ी को चेकिंग के लिए रोका तो गाड़ी में सवार दो लोगों से तलाशी के दौरान 337 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है। फिलहाल पुलिस प्रशासन द्वारा कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। वहीं एसपी मंडी शालिनी अग्निहोत्री ने नशे पर शिकंजा कसने के लिए सभी लोगों से पुलिस का सहयोग करने की अपील भी की है। 1 सितंबर से आगे पुलिस स्टेशन बल में काफ़ी अच्छा काम हुआ है और करीब 10 किलो चरस इस दौरान और 512 ग्राम आज को मिला के आधा किलो हेरोइन इस एरिया में पकड़ी गई है और आगे भी मुझे पूरी उम्मीद है कि SHO बल इंस्पेक्टर कमलेश उनकी टीम जो स्पेशल टीम एक बनाई गई है DSP साहब की अगुवाई में ये थाना और भी ज़्यादा एक्टिवली यहाँ पे कार्य करेगा और इस पूरे एरिया में जो हेरोइन का एक नेटवर्क स्थापित हो चुका है उसको हम ब्रेक करने में कामयाब रहेंगे। पुलिस की टीम जो है वो 4 लेन जो रोड है इस पर एक्टिव थी और इसमें एक गाड़ी जो विदाउट नंबर प्लेट आई काफ़ी हाई स्पीड में आई और उसको डाउटफुल होने के तहत उसको जो है रोका गया, गाड़ी को सर्च किया गया। जो गाड़ी की सर्च में हमें किसी भी तरह का कोई कॉन्ट्रामेंड नहीं मिला लेकिन जब व्यक्ति को सर्च किया गया ऑन सस्पिशियस और इसमें हमने साथ में एक गस्ती ऑफिसर जो है उनको भी एंगेज किया NDPS के जो कंप्लायंस है 50 सेक्शन के उसके अंतर्गत, तो ये जो व्यक्ति हैं इनके पोजेशन से 337 ग्राम्स 337 ग्राम हेरोइन चिट्टा जिसे आम भाषा में यहाँ बोला जाता है ये पाया गया है और इसमें जो है NDPS के अंतर्गत इसमें मामला दर्ज हुआ है पुलिस स्टेशन बल में। प्रारंभिक जो इसमें पूछताछ हुई है अभी तक एक्यूज से और उसमें हमें ये पता चला है कि ये लोग बिलासपुर कुल्लू और मंडी ये तीन जो डिस्ट्रिक्ट है और NH-21 इस पर ये लोग काफ़ी एक्टिवली इन एरियाज में इनका सप्लाई नेटवर्क है और इनके अभी क्योंकि क्रिसमस है और न्यू ईयर ईव है और इस दौरान काफ़ी सारी पार्टीज इस तरह की ऑर्गेनाइज रहती हैं तो प्रारंभिक तौर पे ये सब जानकारी अभी हम जुटा पाए और इसमें फ़िलहाल अभी हम फर्दर जो ये लोग अरेस्टेड हैं इनसे पूछताछ में फर्दर इनके क्या नेटवर्क्स हैं सिर्फ मंडी में नहीं बल्कि स्टेट में कहाँ कहाँ इनके डिफरेंट सोर्सेज हैं और हमारे लोकल लोग जो इनके साथ सप्लाई चेन में इन्वॉल्व है उनको हम बर्स्ट करेंगे और फर्दर इसमें फाइनेंशियल एंगल जो भी इन्वेस्टिगेशन के तौर पर बनता है वो भी किया जाएगा। इस कॉन्ट्राबैंड की मार्केट वैल्यू करीब करीब 7 करोड़ बताई जा रही है और ये ऐसा बताया जा रहा है कि शायद ये हिमाचल का बिगेस्ट किसी नाके या किसी तरह से कैद जो है वो किया गया है। हमारा प्रयास जारी है और आगे भी हम उम्मीद करेंगे कि सबके सहयोग से ये जो बड़े फिश हैं छोटे पेडलर्स को छोड़ के जो बड़े लोग हैं जो लार्ज क्वांटिटी में यहाँ पे सप्लाई करते हैं और जिनके फर्दर टेंटिकल्स यहाँ पे पूरे डिस्ट्रिक्ट में फैले हुए हैं उनको हम पकड़ें और कानूनी कार्रवाई करें। आपके माध्यम से मैं ये भी अप्रिशिएट करना चाहूँगा ये एक सोशल इशू है और इसमें ड्रग के अब्यूज़ को रोकने के लिए पुलिस को आप सहयोग करें। हेल्पलाइन नंबर भी ऑलरेडी हमने जारी किया है मैं फिर से रिपीट करूँगी 93172-21001 9112-21001 ये नंबर मैं खुद सुनती हूँ जो भी इस पर जानकारी देना चाहे चाहे फ़ोन व्हाट्सएप या मैसेज के माध्यम से वो हमें दे सकता है और उसकी पहचान और उसका नाम और उससे आइडेंटिटी का कोई भी जो इशू है वो बाहर नहीं निकाला जाएगा वो पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। और मैं फिर से एम्फेसाइज करना चाहूँगी कि ये नंबर मैं खुद उठाती हूँ तो किसी भी तरह का लीकेज का किसी को डाउट्स नहीं होने चाहिए तो हमें सहयोग करें। जो भी लोग इस तरह के काम में आपके आसपास संलिप्त हैं या कोई और ड्रग्स के अलावा अल्कोहल में भी ये भी संलिप्त है तो उनको जानकारी आप सेफली हमसे शेयर कर सकते हैं। हमारा प्रयास है कि मंडी ज़िले में ड्रग्स के जो नेक्सस हैं उनको हम पूरी तरह से ब्रेक करें और इस चेन को तोड़ के हुए मंडी जो है क्लियर डिस्ट्रिक्ट आगे आने वाले समय में बने। ये हिमाचल से बाहर के हैं इससे ज़्यादा डिटेल्स इस टाइम पे शेयर करना थोड़ा संभव नहीं है
क्योंकि अभी इसमें काफ़ी काम होना बचा है। आने वाले समय में इसमें जो भी अपग्रेड्स होंगी, जो भी नया डेटा हमारे पास आएगा, वो टाइम टू टाइम मीडिया से हम शेयर करेंगे।